खिलाड़ियों की गुहार पर कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने बढ़ाए मदद के हाथ। विश्वविद्यालय से मदद न मिलने पर कलेक्टर ने दिया सहारा, अब जयपुर में दिखा सकेंगे खिलाड़ी अपने खेल का जोहर। हमेशा ही खिलाड़ियों और छात्रों को खेल की ओर प्रोत्साहित करने वाले सरगुजा कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने विश्वविद्यालय के दर दर भटकने को मजबूर फुटबॉल खिलाड़ियों की टीम के लिए अपने मदद के हाथ बढ़ा दिए हैं। आज देर शाम संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के फुटबॉल टीम के 32 खिलाड़ी सरगुजा कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां उन्होंने बताया कि वे सब संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट जयपुर में होने वाला है, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ट्रायल लेने के बाद उन सभी खिलाड़ियों का चयन किया गया है और अब उन्हें 26 तारीख को जयपुर के लिए निकलना है। लेकिन कुलपति के पद को लेकर वहां अभी विवाद चल रहा है और कुल सचिव अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जिस वजह से खिलाड़ियों के आने जाने और वहां रहने खाने का जो व्यय लगेगा उस आदेश पर कुल सचिव का साइन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से उनके साल भर की मेहनत बर्बाद जाएगी। सरगुजा कलेक्टर श्री संजीव कुमार झा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 32 खिलाड़ियों के लिए फंड की व्यवस्था कर उन्हें जयपुर भेजने का आश्वासन देते हुए उनसे खिलाड़ियों को आने जाने रहने खाने में होने वाले इंस्ट्रूमेंट मांगा है और जल्द ही जिला प्रशासन की तरफ से खिलाड़ियों को जयपुर भेजे जाने का आश्वासन दिया है। साथ ही कलेक्टर ने खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने और आगे चलकर सरगुजा का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित करते हुए अपनी शुभकामनाएं दी। ये सरगुजा यूनिवर्सिटी संत गहरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जिनको फुटबॉल चैम्पियनशिप में जयपुर राजस्थान पार्टिसिपेट करने के लिए जाना है और इनकी सारी जो ट्रेवल अरेंजमेंट हो गया है, लेकिन वहाँ पर पार्टिसिपेशन करने के लिए जो नेसेसरी परमिशन है और जो फाइनेंशियल अप्रूवल है वो इनको अभी नहीं मिला है। और अभी जो इनके स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं उनका कहना ये है कि चूँकि जो फाइनेंशियल अप्रूवल है वाइस चांसलर को के लिमिट के अंदर है और हमारे यहाँ अभी वाइस चांसलर अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके कारण रुका हुआ है। इसके लिए बच्चे परेशान हैं कि कैसे। परसों अर्ली मॉर्निंग में इनकी ट्रेन है, इनको 26 के इवनिंग में वहाँ रिपोर्ट करना है, तो इसीलिए परेशान है। देखते हैं इसको, हम लोग समाधान करेंगे इसका। अपना नाम बता दीजिएगा। जी, मेरा नाम साकेत केडिया है। क्या खेल खेलते हैं और क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? भैया, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं और जैसे कि अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट होने वाला है जयपुर में, तो उसके लिए हमारे यूनिवर्सिटी का ट्रायल हुआ, टीम बना, सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फिर हमारा टिकट उकट सब हो गया। अब हम लोग को 26 तारीख को सुबह 6 बजे यहाँ से ट्रेन पकड़ना है और जैसे कि आज 24 तारीख है और आज हम पर को यूनिवर्सिटी बुलाया गया था टिकट लेके, तो अपन गए थे, उसके बाद वहाँ जाके बोला जा रहा है कि आप लोग का जाना कैंसिल हो रहा है। उसका कारण हमने पूछा तो वहाँ बताया कि एक हमारे रजिस्ट्रार सर अभी एडमिट हैं ICU में, ऐसा बताया गया। लेकिन वहाँ से ये भी नहीं बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार सर किस हॉस्पिटल में एडमिट हैं या कहाँ हैं, या जाके हम उनसे मिल लें। और उसके बाद एक कारण ये आ रहा है कि हमने पूछा VC सर का साइन उसमें चाहिए होता है, तो अभी यूनिवर्सिटी में ये चल रहा है भैया कि वहाँ पास 2 VC सर हैं। अब यूनिवर्सिटी वाले को खुद को ही नहीं पता है कि हमारे यहाँ VC कौन है, अब VC का प्रभार किसके पास है, अभी किसको अधिकार है कौन VC सर, वहाँ वो खुद ही कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। तो उसी कारण VC सर का साइन ही है। जी, VC सर का साइन ही हमारा मेन कारण है। ऐसे कितने हैं प्लेयर जो जाएंगे खेलने? 32 लोग हैं सर, 16 लड़की हैं, 16 बॉयज हैं। अपन सर देखिए 4-5 महीने से तैयारी कर रहे हैं इसके लिए और सुबह भी प्रैक्टिस चलता है 2 घंटा, शाम को भी 2-3 घंटा प्रैक्टिस चलता है।